अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप लोगों के। एंड आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, पाकिस्तान में इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैंने डिसाइड किया कि एक अच्छी सी वीडियो आप लोग सबके लिए बनाऊं और इंफॉर्मेशन दूं कि किस तरीके से हम अपनी स्किन को लेके, क्योंकि काफ़ी इश्यूज आते हैं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, इट्स स्टिल वर्किंग, और उसमें काफ़ी क्वेरीज आती है कि हम ओल्ड एज रिंकल्स के लिए क्या करें। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल टू बिगिन विथ, रिंकल्स का इशू ये होता है कि अगर आप ये समझे कि कोई क्रीम ऐसी लगा लें और फौरन से एक या दो दिन में अफेक्ट आ जाए या एक से दो हफ्ते में अफेक्ट आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। इट्स अ वेरी बिग कमिटमेंट और ये आपको स्टार्ट करना चाहिए इफ़ यू हिट 30, 35 या 38, 35, 32 would be perfect, जैसे हम कहते हैं प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए। तो करना क्या है, हमने वाइटमिन ए की सीरम्स, जो हम यूजली कहते हैं कि ग्लाइकोलिक सीरम ले रहे हैं, वाइटमिन ए की सीरम ले रहे हैं, तो आप लोग कितने सीरम लेंगे, राइट? तो जिस तरीके से वेदर के हिसाब से आपको चलना है, वेदर के हिसाब से इस तरीके से चलना है कि अगर समर है तो आपकी सीरम और क्रीम चेंज हो जाएंगी, विंटर है तो सीरम और क्रीम चेंज हो जाएगी, अगर फॉल का सीज़न है तो अगेन सेम रूटीन चेंज हो गए। तो हमने स्टार्ट करना एक्सफोलिएशन से, यानी ग्लाइकोलिक सीरम या ग्लाइकोलिक क्रीम से एक्सफोलिएट करना, यानी जो डेड स्किन पड़ी हुई है उसको रिमूव करना। ये तकरीबन आपने एक से दो महीने ग्लाइकोलिक क्रीम अप्लाई करना है, इसको एक्सफोलिएट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि हम थोड़ा बहुत फ़र्क आपको दिखना शुरू हो, लिटिल बिट यू नो समथिंग इज हैपनिंग, थोड़ी सी ब्राइटर स्किन हुई भी है, तो उसको स्टॉप नहीं करना। अगर इफ़ यू वांट टू अचीव के और अच्छा रिजल्ट हो, तो ग्लाइकोलिक क्रीम या सीरम्स आप 3 मंथ्स तक लगाएं, और ये नाइट सीरम होगी, यानी आपने फेस वॉश करने के बाद आपने नाइट सीरम लगानी है, ठीक है, या नाइट क्रीम लगानी है। बट मेक श्योर करें कि ग्लाइकोलिक इंग्रेडिएंट होना चाहिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ आपने करना क्या है कि आफ्टर 3 मंथ्स या आफ्टर 2 मंथ्स आपने विटामिन ए लेना है, ऐसी क्रीम या ऐसी सीरम जिसमें सिर्फ प्योरली विटामिन ए हो, वेरी हेल्पफुल और आइडियल है कि रिंकल्स के लिए आप इस्तेमाल करें। नाउ ग्लाइकोलिक और विटामिन ए का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। नाउ आई नो कि पाकिस्तान में थोड़ा सा इश्यूज होते हैं कि दोनों साथ मिक्स इंग्रेडिएंट होना मुश्किल होता है, बट ट्राई टू फाइंड इट। अगर मिलती है तो ग्लाइकोलिक विद विटामिन ए आप लगाएंगे तकरीबन 4 मंथ्स। 4 मंथ्स का आपने ये प्रोसीजर करना है, और मेक श्योर करें कि आप इसमें एक दिन का नागा ना करें। सो आइडियली हम कर क्या रहे हैं कि हम अपनी फेस को ब्राइटर बना रहे हैं, रिंकल प्रीमेच्योर अगर आप जल्दी स्टार्ट करते हैं प्रीमेच्योर, और अगर आप इनटू लाइक 50-55 है तो लॉन्ग टर्म, यानी आप अपनी स्किन को, अपनी फेस की स्किन को प्रिपेयर करें। तो तकरीबन 4 मंथ्स तक आपने इसको लगातार अप्लाई करना है। इन बिटवीन अगर आप फेशियल्स लेते हैं, लाइक हाइड्रा फेशियल ले लिया या पीलिंग ले ली, तो मेक श्योर करें जो भी आपके आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं या डर्मेटोलॉजिस्ट के पास हैं या एनी अदर एक्सरसाइज है, कि मेक श्योर करें कि आप ये 2 चीज़ें की एलिमेंट आप ज़रूर बताएं और उनको नॉलेज में लेकर आएँ, बिकॉज समटाइम जो लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं तो उसके पील होना शुरू होती है। तो मेक श्योर करें कि इनको ज़रूर बताएं कि ये आपने 2 कॉम्बिनेशन की क्रीम्स मिला के आप इस्तेमाल करें। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई हो, और डू शेयर एंड लाइक माय वीडियोस, एंड इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी।